हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं रेडमी नोट 10। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे फ़ोन में दरअसल प्रॉब्लम ऐसा है, कस्टमर ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उसका कहना है जब से हमारा फ्रंट कैमरा बंद हो चुका है। तो चलिए आज वही बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके का प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम फटाफट मदरबोर्ड ओपन कर चुके हैं अभी हमने, और ये शील्ड काटनी लेनी है हमें। शील्ड क्यों काटनी है, क्योंकि हमें इसका आईसी उतार के बनाना है। तो शील्ड एकदम आराम से केयरफुली काटनी है। बाजू में पावर आईसी, एमएमसी, सीपीयू, तीनों आईसियां लगी हुई है, तो थोड़ा आराम से काटें। ये हमारी उधर की आईसी शील्ड कट चुकी है, अब इधर की काटेंगे हम। आप देखते रहिए वीडियो को ध्यान से, इस तरीके से ही आपको शील्ड काटना है, नहीं तो आपका फोन डैमेज हो सकता है। और एकदम केयरफुली करना है ये काम। शील्ड हमारी कट चुकी है, अब वाटर गन से हिट मारना है हमें और धीरे धीरे शील्ड को ओपन कर लेना है। इससे होगा ये कि हमारी जो शील्ड है वो ओपन हो जाएंगी। देख लीजिए इस तरीके से शील्ड निकालनी है। ये हमारी शील्ड उठने वाली है, बस ऊपर ये उठ चुकी है। ये निकल चुकी है हमारी शील्ड। अभी हम सीपीयू को हिट मारेंगे थोड़ा पेस्ट लगा के, इससे होगा ये कि हमारा जो सीपीयू आराम से निकल जाएगा बाहर। देख लीजिए इस तरीके से आपको भी धीरे धीरे सीपीयू उठाना है ऊपर। ये उठ चुका है हमारा सीपीयू। अभी हमें पूरी जगह क्लीन कर लेनी है। जगह क्लीन इसलिए करनी है क्योंकि हमें पूरी आईसी को फिर से रिवॉल्व करके लगानी है, जिससे होगा ये कि हमारा प्रॉब्लम जहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। तो उसकी जो सीपीयू से जो एक लाइन है फ्रंट कैमरे में वो आ नहीं रही थी, हमने उसे चेक कर लिया है। तो सबसे पहले ये क्लीन कर लेते हैं हम पूरा ग्लू इसका। और ये जो है कंपाउंड आजू बाजू लगे रहते हैं, तो हमें थोड़ा आराम से काम करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ दो कंपोनेंट शॉर्ट हो चुके हैं हमारे, वो कर लेंगे हम बाद में क्लियर। तो अभी गन की मदद से हिट मार के हम इसे टूल की मदद से इसे पूरा ग्लू काट रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे अभी। अगर आपके पास कोई फोन होगा रिपेयर के लिए, तो नीचे जो दिया हुआ नंबर है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी मॉडल रहे, ऐसा जरूरी नहीं रेडमी नोट 10 ही रहे, तो ऐसा कोई भी मॉडल रहे वो आप रिपेयर के लिए डाल सकते हैं। एक बार और हम टूल की मदद से ग्लू साफ कर लेते हैं। बस ये होने वाला है हमारा बोर्ड पूरा क्लीन, जैसा आप देख पा रहे होंगे। देखो एकदम बढ़िया हो गया है, पूरा ग्लू साफ हो चुका है। इस तरीके से आपको भी पूरा क्लीन कर लेना है, उससे होगा ये कि हमारी जो अब हम आईसी बैठा लेंगे तो एकदम प्रॉपर लगेंगी। चलिए हो चुका है, अब आ जाते हैं हम सीपीयू पे। अब सीपीयू की ग्लू की कटिंग करेंगे हम। ये सीपीयू का हम कहिए की मदद से ग्लू कट कर दे रहे हैं। ये देख लीजिए हो चुका है हमारा ग्लू किन। अभी हम इसे कहिए की मदद से साफ करेंगे और तार की ब्रश से साफ कर देंगे। देख लीजिए तार की ब्रश से हम साफ कर रहे हैं इसे। ये हमारा साफ हो चुका है सीपीयू। अब बारी है इसे रिवॉल्व करने की, तो बॉल हमें प्रॉपर बनाने हैं। बॉल ज़्यादा छोटे छोटे बड़े इसलिए नहीं रखने हैं हमें, क्योंकि जो बैठेगा सीपीयू तो दो बॉल आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अभी बस पट से स्टेंसिल से होल मिला लेते हैं और पीपीडी इंसर्ट करते हैं।
देख लीजिए प्रॉपर होल मिल चुके हैं अभी हमारे, अभी पीपीडी लगा देते हैं हम। ये पीपीडी लगा चुके हैं अब हल्की हिट मारनी है, ज्यादा एयर ज्यादा नहीं होना गाइस, नहीं तो होगा ये कि आपके जो बॉल है पीपीडी बाहर निकल जाएंगे ज्यादा हिट रहेंगी। तो अभी एक बार इसको फिर कट कर लेते हैं हम, फिर से एक बार पीपीडी भर के फिर से एक बार हिट मार देंगे तो होगा ये हमारे बॉल एक साइज के बन जाएंगे, और एक साइज के बॉल रहना बहुत जरूरी है नहीं तो तकलीफ आ जाती है कई बार। तो चलिए ये हो चुका है हमारा एक बार और, अभी हिट मारते हैं हम। देख लीजिए हमारे बॉल प्रॉपर बन चुके हैं, पहले जैसे एक दो कम ज्यादा दिख रहे थे अब वैसा नहीं रहा है। अभी थोड़ा सा पेस्ट लगा के हिट मार देंगे, पेस्ट लगा के हिट मारने से होगा ये गाइस कि जो बॉल जगह पे नहीं है वो जगह पे आ जाएंगे। तो चलिए अभी फटाफट सीपीयू लगाते हैं हम। ये लगा चुके हैं हमने पेस्ट, अब लगाएंगे सीपीयू। तो ये इस तरीके का हमारा सीपीयू है, ये डॉट से डॉट डॉट जो नॉइज है आईसी का वो सही जगह रखना है। तो जैसा देख पा रहे होंगे अब हमने बराबर नॉइज रख चुका है, अब हिट मारते हैं हल्की हल्की ऊपर से। ये नॉइज रख चुके हैं हमने बराबर, अब हिट देना है। ये लग चुकी है नॉइज बराबर, ये हिट मार रहे हैं हमें। ये देख लीजिए आईसी बैठ चुकी है हमारी, पेस्ट बाहर निकलने का मतलब ही है ये आईसी बैठ चुकी है हमारी। थोड़ा सा शेक भी कर लेते हैं अभी हम हल्का सा, देख लीजिए हिली है हल्की सी। तो चलिए अब आ जाती है बारी फोन पैक करते हैं हम, फटाफट इसे चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो ये Xiaomi लिख के आ रहा है और आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ चुका है आगे। अभी हम बैक कैमरा ऑन कर रहे हैं इसका। अगर आप वीडियो में अभी तक के हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वीडियो में बने होंगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देख लीजिए हमारा फ्रंट कैमरा ऑन हो चुका है गाइस। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। ओके बाय बाय।